हेलो एवरीवन वेलकम टू आई गेट भिलाई बच्चे आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि मोटिवेशन हमेशा आपके पास होना चाहिए हमेशा मोटिवेटेड रहिए लाइफ में कुछ करना है सक्सेस होना है लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं सर ये मोटिवेशन जो होता है ना ठहरता नहीं है कुछ समय तक रहता फिर अचानक हम रिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा बनते तो मोटिवेटेड रहते हैं टेस्ट देते मार्क्स आता डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी लगता है दोस्तों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं फिर से मोटिवेशनल वीडियो हो हैं फिर से अप हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो बेटा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन वाकई में ये परमानेंट नहीं रहता है और इससे आप ठीक है कभी आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे कभी आप ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे लेकिन सक्सेस का मैं देखूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ या मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं जो लोग सक्सेस हो रहे हो कैसे हो रहे हैं तो मैं दो पॉइंट यहां पे निकाला यार कि क्या मोटिवेशन से लोग ज्यादा सक्सेस होंगे या लोग डिसिप्लिन से ज्यादा सक्सेस होंगे तो मैंने फाइंड आउट किया यार सच्चाई है ये वो बच्चा ज्यादा सक्सेस होता है जो ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है मोटिवेशन तो अप एंड डाउन होता रहता है इस ग्राफ की तरह आज मोटिवेशन ज्यादा है कम हुआ कम हुआ ज्यादा हुआ कम हुआ ज्यादा हुआ, हुआ, हुआ कभी ज्यादा पढ़े कभी कम पढ़े लेकिन कोई बच्चा डिसिप्लिन में है उसने अपना ता टाइम बिल्कुल फिक्स कर लिया मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है तो बच्चों उसको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है किसी भी हालत में वो पीछे नहीं हो सकता है लाइफ में सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में तो उस फील्ड के लिए एक डिसिप्लिन एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा तो उन बच्चों को मैंने देखा ज्यादा सक्सेस हुए जो डिसिप्लिन में रहकर कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन किए और उनका रिजल्ट 101 परसेंट आया है तो बच्चों मोटिवेशन तो ठीक है अपनी जगह है तो उससे बड़ा होता है डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करिए ये जो मंथ आपके लिए बचे हुए हैं इसमें डिसिप्लिन होकर तैयारी करिए और मैं आपको लिख देखता हूँ लास्ट में आपको लगेगा यार मैंने डिसिप्लिन में रहकर जो प्रिपरेशन किया टाइमली जो चीज़ों को मैंने फॉलो किया उससे आज हमारा रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट आने वाला है तो डिसिप्लिन को ब्रेक मत करिए डिसिप्लिन ही है जो आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा तो कभी नहीं ब्रेक करिए कोशिश मत करिए ट्राई करिए डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करिए बच्चों ऑल द बेस्ट बाय बाय